Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है क्रासांट। क्रासांट बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, ये सबसे पहले दूध है, 1/4 कप दूध है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। इसको एक कप में आप ऐड कर लें। ओके, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ईस्ट ली है, वो इसमें ऐड कर लें। फिर मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून शुगर ली है, उसको इसमें ऐड कर लें। ओके, इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लें और इसको 20 से 25 मिनट तक इसको कवर करके रख लें ताकि ईस्ट भी अच्छे से फूल जाए। अब हमने एक बाउल में 1.5 कप मैदा लेना है, ये 1 कप हो गया। अब हमने 1/2 कप पोर इसमें ऐड करना है। ये देखिए, इसमें हमने ये पिंच सॉल्ट जो इसमें ऐड करना है। फिर हमने वो ईस्ट इसमें ऐड करनी है जो मिक्स की थी हमने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर, देखो हमने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, और साथ इसको हमने मिक्स करना है। इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, दो मज़े की हो चुकी है। अब थोड़ा सा ऑयल मनी में लगाएंगे, करीबन 2 टीस्पून तक, इसको अच्छे से मिक्स करके इस तरह इसको हम रख देंगे करीबन 1 घंटे के लिए। इसके ऊपर हम फॉइल पेपर लगा देंगे। देखिए, इसको हम 1 घंटे के लिए जो है खुलने के लिए रख देंगे। हमारा अदर जो अच्छे से फूल चुका है, हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर से जितने भी बबल्स हैं उसको हमने ख़त्म करना है। देखें, सारे बबल्स हैं इसके अंदर से खत्म हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, तरह हम इसको काट के इसे प्लेट पर रखेंगे और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इक्वल पोर्शन में लीजिए ऐसे बेल देना। देखिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इतना बेलना है। इसके ऊपर हमने बटर, अनसॉल्टेड बटर लगाना है, अच्छा सा लगाना है। बटर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ये देखिए, बटर जो हमने लगा दिया अच्छे से। ये देखिए, अब हमने इसको फोल्ड करना है। पहले ऐसे करना है, ओके, फिर ऐसे करना है, फिर दोबारा से यहाँ पे बटर लगाना है। ये देखिए, जैसे हम चिकोर पराठा नहीं बनाते, इस तरह से इसको बेल लेना है। ये देखिए, ऐसे इसको डन कर देना। ये देखिए, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी रोटी हमने बेली है,
इसके ऊपर इसी तरह बटर लगाएंगे। ये देखें, जैसे हमने पहले वाले पे बेल के लगाया था ना रोटी पे, तो सेम उसी तरह आप दूसरी पे लगा के ये देखें अच्छे तरीके से लग गया बटर। अब जो पहले वाले जो हमने बेली थी उसको मिडल में रखना है, ओके। फिर इसको इस तरह से बंद करना है, ऐसे इधर से ऐसे दबाना है, ठीक है। यहाँ पे भी बटर लगा के फिर इनको ऐसे फोल्ड करना है, ये देखिए ओके, ये हो गया। अब हम तीसरी रोटी बेलेंगे। ये देखिए तीसरी रोटी को मैंने बेल ली है, इसके ऊपर भी इसी तरह बटर लगाएंगे हम, ये इस तरीके से, ये देखिए लगा के से लगा के। अब जो हमारा वो पहले वाला फोल्डिंग पोर्शन था वो हम मिडल में रखेंगे, ये देखिए। अब इसको इस तरीके से बंद करेंगे, ये देखिए, आपकी मर्जी। यहाँ पे हल्का सा अगर लगाना भी चाहे बटर तो लाइट सा ऐसे लगा लें, ऐसे हल्का सा लगा के साइडों से भी इसको उसी तरीके से बंद कर लें। जी मैंने फॉइल ली है, मिडल में फॉइल रख के ऊपर ये मैदे वाली जो रोटी हमने बनाई है इसको रख के ऐसे इसको बंद करके इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, 4 घंटे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखा था, अब हमने इसको निकाला है। देखिए अब हम इसके 2 पीस करेंगे, ये देखें, बिस्मिल्लाह, इसके 2 पीस करके फिर हम इसको बेल लेंगे। देखिए मैंने रोटी जो बेल ली है, अब हम इसको इक्वल साइज से काटेंगे। देखिए ओके, देखिए इतना साइज होना चाहिए, ये देखिए, ये और एक हम ऐसे लेंगे। फ्रेंड्स हमने इसको इस तरह काटना है, जैसे किनारे से लेके इसको दूसरे किनारे तक एंड तक लेके जाएंगे। देखिए इस तरह की हमारी पट्टी होनी चाहिए, ये देखिए। फिर हमने एक पट्टी को इस तरह लेना है, ये देखिए इसमें छोटा सा कट लगाना है हमने, देखिए इतना कट लगा के इस तरह करना है। फिर हमने इसको राउंड में करना है, राउंड शेप में, ये देखिए, यस, ये देखिए इस तरह सारे हमने बनाना है, शेप आनी चाहिए। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ, देखिए ये लेना इस तरह छोटा सा कट लगाना है यहाँ पे, देखिए कट लगा, इसको थोड़ा सा ऐसे खोल लेना है, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे राउंड में करना है, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए कितनी अच्छी शेप बनी है, सही परफेक्ट शेप है माशाल्लाह। ये देखिए ऐसे बनाना है, इस देखिए को मैं आपको बताती हूँ, इस तरह कट करके अपने इसको ऐसे खोल के तो इस तरह फोल्ड करना है, ये देखिए, ये इस तरह, इसी तरह सारे बनाने हैं। और ट्रे के अंदर पहले नीचे बटर लगाना है और फिर उसके अंदर अपना, अब ट्रे में
ट्रे के अंदर ऑयल या बटर जो भी आपका है, अगर ऑयल है तो ऑयल लगाने, अगर बटर है तो बटर लगाने। अच्छे तरीके से सारी तरफ लगा के देखिए इसे तरीके से लग गया। अब वन बाय वन हम जो है अपने क्रोसॉन इसमें रखेंगे। ये देखिए मैंने डिफरेंट साइजेस में बनाए हैं, आप जिस तरह मर्जी चाहें, छोटे चाहें, बड़े चाहें, जिस तरह जिस साइज़ में आपको अच्छे लगते हैं आप उसमें बना सकते हैं। देखिए बेकिंग ट्रे में मैंने इनको सेट कर दिया है। अब जो है हमने इनके ऊपर अंडे से ब्रश करना है। सारों प्री हीट कर दिया था 360 पे। अब हम इसको ओवन में रखते हैं 20 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स क्रोसॉन ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। देखें डन हो गए। कलर देखें इनका कितना प्यारा है। और ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत, टेस्टी, खुशबू भी बहुत अच्छी है इनकी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। फ्रेंड्स मैंने क्रोसॉन डिश आउट कर ली है। ये देखिए कितना प्यारा कलर इनका आया है। शेप इनकी देखें बहुत अच्छी है। बच्चे शौक से खाएंगे इसको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, अपने शाम की चाय में यूज़ करें। बहुत डिलीशियस बने हैं। आई होप कि आपको पसंद आएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।